देखिए, इस वक्त हम उपस्थित हैं अहरौला ब्लॉक पर अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के डाढ़ी एक गांव पड़ता है और बढ़ियापार गांव है। और यहां के ग्रामीण जो है अहरौला ब्लॉक पर इकट्ठा हुए हैं धरने के लिए, यहां ज्ञापन दे रहे हैं। इन लोगों का कहना कि आज़ादी के इतने दिन बीत गए लेकिन आज तक इन लोगों के गाँव में रास्ता नहीं है। बाढ़ के सीजन में, बरसात के सीजन में इन लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे के नेतृत्व में लोग ब्लॉक पर आए हुए हैं। क्या मामला, कुछ जानकारी क्या लेके आए हैं? नहीं, हम आज के 5 दिन पहले वहां गए थे। हाँ। वहां हम मौके पर हम देखे। कहने का मतलब वह गांव जो है कम से कम 50 घरों का गांव है और 50 घरों के समझ लीजिए कि बच्चे स्कूल 6 महीना नहीं जा पाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं 12 साल 14 साल महिलाओं से जानना चाहेंगे, आप उसी गाँव की है? अरे तो हाँ, हम लोगों ने वही गाँव। ब्लॉक पर किस लिए आई है? रास्ता के लिए। कौन सा गांव है? डाही गांव बढ़ाया पार। क्या रास्ता, क्या समस्या होती है? रास्ता में हमार लोगन का लड़का ना पढ़ लिख पावत है, हमार लोगन बाजार हटिया ना कर पावत है। करिया भर ठेना ठेना भर पानी लुग्गा उठा के लेके निकलते हैं या तमन लेकर उथुगा दिलौरी जवन ही में तवन के खटिया पर लेके जाते हैं। हमार लोगन, यह हमार लोगन के परेशानी है। हमार लोगन नोन तक ना पाई तो वहाँ तवन लेकर उथुगा में कि हमार लोगन नोन पाए जाए खाए के लिए। तो समस्या कब से है आप लोगों की? 3 पुत्र बीत गए, तीसरी औलादी आ गई। क्या कोई नेता नहीं जाता आपके यहाँ? नेता वो सब वोट लेवे के लिए जाए। हाँ, रास्ता बनावे के कही जाए तो नेता लोग कही खा हो जा वोट, तो वोट दे वोट दे, ओकर बाद नेता सब हो जाए, ओकर बाद वोट बिसरी गए। आप भी उसी गाँव के? सब हमारे गाँव में रोटे का बहुत दिक्कत है। रोड जैसे नहीं है, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पाते है। पानी में जाते हैं स्कूल, गिर जाते हैं, भीग जाते हैं, कपड़ा लता लौट के घर आते हैं, तबीयत सबियत खराब हो, वो दिक्कत होती है। यह कुल दिक्कत है हम लोगों की। सभी लोग जो है उसी गांव के निवासी? हाँ, वही गांव निवासी। आप लोग इससे पहले जो है किसी जगह एप्लीकेशन वगैरह दिए उसके लिए? हाँ, बहुत दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज़ादी के इतने दिन बीत गए, वोट लेने के लिए नेता लोग जाते होंगे आपके? हाँ, सभी लोग जाते हैं। रोड पर नहीं ध्यान दे रहा? कोई रोड पर नहीं ध्यान देता है। तो आज लोग, आप लोग ब्लॉक पर आए हैं? हाँ, धरना देने की मांग आपकी? मांग यही कि हम लोग का रास्ता जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि हम लोग का बच्चे। ज्ञापन आपने दिया? बिल्कुल दिया। किसको दिया आपने? अरे DM को दिए थे, BDO साहब को दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो गाँव के प्रधान कौन है आपके? प्रधान विजय यादव हैं। उनसे आप लोगों ने कहा? बिल्कुल कहा है। क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि दूसरे मौजा में है। दूसरे मौजा में? हाँ, दूसरे मौजा में। वहाँ तो वोट की राजनीति है, वहाँ तो वोट की राजनीति है, सपा भाजपा की बात चल रही है। हाँ, कैसे कह सकते हैं आप सपा? अरे अभी हमारे सामने बात हुई है, हमारे सामने बात हुई है। क्या बात हुई? यानी की जो है वो यानी वहाँ की संजय यादव और संजय निषाद खड़े हो गए, आप लोग उधर चले गए, ये सब बातें आने की क्या जरूरत है? कौन कहा ऐसा? अभी विजय प्रधान जी कहे मेरे सामने कहे हैं। कहने का मतलब है वहाँ ये समस्या, इतनी बड़ी समस्या है कि जो है बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे जो है कपड़ा निकाल करके तब इस पार से उस पार जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, और जो 6 और 8 साल के बच्चे हैं वो तो स्कूल जा ही नहीं पाते 6 महीने। अच्छा, ऐसा आप समाज सेवी हैं? बिल्कुल। आजादी के इतने दिन हो गए, 75 साल ज्यादा हो गए। इस गाँव की ऐसी स्थिति क्या कहेंगे आप? बता तो रहा हूँ कि ये लोगों के ऊपर कहर गिराया जा रहा है, ये लोगों के ऊपर कहर गिराया जा रहा है, क्योंकि मैं 4 दिन पहले गया था, 1 महीना पहले बरसात हुआ है। आज के डेट में यहाँ औरतों को ठेहुना के ऊपर जो है साड़ी उठा के चलना पड़ता है। मैं उस रास्ते को क्रॉस करने के चक्कर में कि उस पार चलूं, वहाँ चल के समस्या को देखूं बाकायदे, और वहाँ जनता जुटी हुई थी, छाया था थोड़ा सा कि 10 मिनट बैठूंगा अभी छाया में, तो मैं धूप में खड़ा हुआ, लेकिन उस पार जाने लगा छलक के गिर गया। मालूम पड़ा कि जो अगर धान नहीं पकड़ा होता ना, धान का पौधा, तो शायद मैं गिर जाता जमीन पे। यह पोजीशन है, काली मिट्टी है, जल दल करके एकदम रागा हुई है और स्लिप भी करती है। तो कहने का मतलब है यहाँ इनको बहुत बड़ी वो नहीं है। जैसा एक सवाल है, आप 20 से 25 आप इन लोगों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। प्रधान अगर नहीं सुनते तो किस तरह इन लोगों को न्याय दिला? अभी हम BDO साहब से बात करेंगे, अगर यहाँ से भी नहीं काम बढ़ा, आगे काम बढ़ा तो आगे बढ़ेंगे हम। प्रधान का कहना कि मेरे गाँव में नहीं आता, ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। आप वोट वहाँ का लेते हैं, वोट लेने चले जाते हैं। वोट आप लोग किसको देते हैं? उन्हीं को देते हैं। किसको देते हैं लोग बताएं? वोट जो होते ही के दी हल जाए। किसको देते हैं? जो नहीं कोठरा का मतलब डाहियों का उठल रहना है। हाँ। डाहियों के आदमी के दे गए
प्रधान जी भय कोठरों को उठा लाने बढ़ व्यापार का तनाव दो जगह वोट दे दिया आप लोग नहीं नहीं जैसे जैसे बढ़ापार एक ही जय प्रधान जी आपके कह रहे हैं वो मेरे गांव में नहीं आता आप भी उसी गांव के हैं जी क्या मांग है आप लोगों की अरे मांग ये रोड की मांग है मतलब रोड बहुत हमारा खराब यही चाहिए अभी जैसे कुछ महिलाएं बताएं पढ़ने लिखने बच्चे नहीं जा पा रहे क्या विद्यालय नहीं क्या बच्चे कैसे जाएंगे डूब के मरेंगे वहाँ की नहीं बचेंगे बच्चे 8 साल 7 साल का बच्चा जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट 6 साल के बाद स्कूल में लेती है तो 6 साल का बच्चा कैसे जाएगा कौन उसको इस पार से उस पार करेगा डिलीवरी आती है डिलीवरी होने वाली होती है तो बच्चा लेकिन कोई बनवाने के लिए राजी नहीं है वहाँ का रास्ता कोई बनवाने के लिए राजी नहीं जो भी पटवाए वो लोग छोड़ दिए बीच में कहीं बनाते हैं तो कहीं छोड़ देते हैं ऐसे नाला बह रहा है आप लोग आज जागे इसके पहले भी कोई एप्लीकेशन वगैरह दिए एप्लीकेशन तो हम भाई वहाँ नहीं तब दिए थे लेकिन ये लोग आते हैं मंत्री लोग आते हैं इनके यहाँ आते हैं जीत के चले जाते हैं नेता भी आते हैं यहाँ जीत के चले जाते हैं काफी दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं ज्यादा दिन से कर रहे हैं सुनवाई नहीं होती तो देखिए दाही ग्राम के जो है ग्रामीण ब्लॉक पर इकट्ठा है इन लोगों की मांग है कि इन लोगों का रास्ता जल्द से जल्द बने ताकि छोटे छोटे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर सके और आने जाने में लोगों को कोई समस्या ना हो। ग्राम पंचायत कोठरा डाही के प्रधान विजय यादव जी यहाँ पर हैं जो अभी ग्रामीणों ने धरना दिया था अब इनसे जानना चाहेंगे कि जो है क्या मामला रास्ते का क्यों रास्ता नहीं बन पा रहा है क्या मामला है मामला यह है जो ग्राम पंचायत कोठरा डाही में है जितना वो बन चुका है वो जो विवाद हुआ है वो खालिसपुर ग्राम पंचायत में है और वो भी कागज में रास्ता नहीं है अच्छा। वो और हरकेश महाप्रधान के द्वारा 700 मीटर खड़ंजा लगाया जा रहा था उसमें विवाद होकर 200 मीटर खड़ंजा नहीं लगा जो कागज में नहीं है वो सब रोक दिए हैं जिसके चक में है यही विवाद चल रहा है कुछ लोग कर रहे हैं वोट की राजनीति क्या नहीं वोट की राजनीति नहीं वहाँ केवल दूसरी ग्राम सभा का है वहाँ कागज में रास्ता नहीं जहाँ पानी लगा हुआ आपके ग्राम सभा में नहीं पड़ता नहीं वो हमारे ग्राम पंचायत नहीं खालिसपुर में है अभी एक समाज सेवी ने कहा था है कि आपने उसके सामने कहा है कि वोट लोग दूसरे को देते हैं क्या ऐसा कुछ मामला है क्या उनका वही धंधा हो गया है उनका यही धंधा है कि इधर उधर करना कहीं सही बात पर नहीं जाना है तो आपके गाँव में अगर नहीं तो कुछ प्रयास किया अपने विधायक उदायक क्षेत्र पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत हरकेश यादव द्वारा 700 मीटर उसको पास किया गया जबरदस्ती फिर वो नहीं लग पाया तो 400 मीटर लगा और 200 मीटर नहीं लगा उस रोड के लिए आपने कुछ प्रयास किया कभी बार बार उसको प्रयास किया जा रहा है लेकिन वहां का सीमांकन जो कागज में है ही नहीं है रास्ता मेन समस्या है ठीक और आपके गाँव सभा में नहीं पड़ता हमारे गाँव ठीक धन्यवाद।